ओके, आज का ट्रेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मूवमेंट हो रहा है, एक मिनट में करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक रिवर्सल लेना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा और ऊपर क्लोज होगा हम लोग डाउन कर लेंगे। सा हम लोग का मिस हो गया, इस जगह क्लोज होता इस लेवल में अगर क्लोज होता तो ओके ओके ओके। यहाँ फुलफिल कैंडल नहीं किया है, मुझे लगता है अगर ये लॉस होता है तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग का हो जाएगा 11:31 का, यानी कि 11:31 का ये पार कर गया। अगर नीचे ये क्रॉस हो गया ओके, एक और हम लोग डाउन ट्रेड ले लिए। फर्स्ट ट्रेड हम लोग का लॉस, सेकंड ट्रेड क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रेड लॉस है, सेकंड ट्रेड में क्या हो रहा है। 5 मिनट का कैंडल में अगर हम लोग देखें तो नेटवर्क काफ़ी स्लो है मेरा, के ऊपर से तो रिजेक्शन ले करके आया है। देखिए 5 मिनट का कैंडल को ये कवर नहीं किया है, कवर नहीं किया है, बट एनीवे अगर ये लूजिंग होगा तो फिर हम लोग वेट करेंगे कुछ और दूसरा एसेट में। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और ये विन हो गया। कि जो पिछला जो हम लोग का लॉस था और अभी जो हमने ट्रेड लिया वो कवर अप हो चुका है। ओके, देखिए वहाँ से रिजेक्शन लेकर के आया है कि पिछला जो $7 का लॉस था अभी हमने विन किया तो हम लोग का कवर हो गया। ओके, हम लोग का 122 होना है, 112 हुआ है, 122 होना है, अभी 112 हुआ है, तो एक और ट्रेड लेंगे 764 का। 764 यहाँ थोड़ा दिक्कत लग रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेंगे दूसरा सेट। इंटेल, इंटेल में नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस में क्या बोल रहा है। अच्छा 5 मिनट कैंडल क्या बोलता है ज़रा उसको भी देख लें। एक लेवल यहाँ है, एक लेवल यहाँ है, और एक लेवल यहाँ है। आइए एक मिनट में, इसको ये ब्रेक कर चुका है तो नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा $7 का डाउन ट्रेड लेंगे। अगर ये इसी तरह, थोड़ा और ऊपर क्लोज होना चाहिए मुझे, थोड़ा और ऊपर क्लोज होता तो अच्छा रहता, बट एनीवे फिर भी हम लोग एक अप ट्रेड मैंने ले लिया। मैंने क्यों लिया अप ट्रेड, क्योंकि ये यहाँ पे आया, ये 27 सेकेंड
काफी स्ट्रांग था। लग तो रहा है लूजिंग। नेक्स्ट ईयर हम लोग का 12 का होगा, 12 का होगा। ओके ये विन हो गया। मुझे मैंने क्यों लिया था ट्रेड, देखिए यहाँ ये जो है ना रिजेक्शन मेनली ये यहाँ पे क्या कहते हैं एक लेवल था, ओके सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल को इसने रेड कैंडल ने ब्रेक किया और ब्रेक करके थोड़ा सा हल्का 10% जैसे 5-10% जैसे कैंडल नीचे गया है, वहाँ क्लोजिंग हुआ। बाकी जो रेस्ट कैंडल था 80-90% कैंडल वो ऊपर में ही था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये वापस रिवर्स होगा, इसलिए मैंने अप ट्रेड लिया और आप देख सकते हैं विन हुआ है हम लोग का। यहाँ हो गया है ये हम लोग का विन है, ये विन है तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। 3.93 नेक्स्ट ट्रेड हम लोग का हो जाएगा, 3.93 यानी $4 का। लेकिन वीक को ये कवर नहीं किया, यहाँ देखिए पिछला जो है रिजेक्शन लेकर के भी अगर आया है तो वीक को ये कवर नहीं किया है, तो थोड़ा वेट करते हैं। कितना है 122.28, 4 ट्रेड हम लोग विन करेंगे तो फिर ये हम लोग का टारगेट पूरा हो जाएगा। नहीं यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ एक लेवल है डाउन ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, डाउन ट्रेड ले सकते हैं। सॉरी ये मिस हो गया हम लोग का। रेड में क्लोज होना है, अगर देखेंगे वेट करेंगे तो ये कैंडल रेड में ही क्लोज होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। थोड़ा ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो 2 मिनट का हम लोग एक डाउन ट्रेड लेंगे। थोड़ा और ऊपर क्लोज होना चाहिए। वेट कीजिए, वेट ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। एक रिस्की ट्रेड है बट ले लिए एक डाउन ट्रेड का, कोई लॉजिक नहीं है। देखो लूजिंग ट्रेड है। वापस $7 का हमको लेना होगा।
ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ 1 मिनट और बाकी है, तभी हम लोग डाउन ट्रेड लेंगे फिर। थोड़ा सा और ऊपर क्लोज हो जाए, ये ट्रेड मुझे नहीं लेना चाहिए था, बट मैंने ले लिया, रिस्की। लॉस हो गया हम लोग का, पिछला जो ट्रेड था वो लॉस है। ये भी स्ट्रांग मूवमेंट हो रहा है ऊपर हेड के साइड, वेट करते हैं, मुझे तो लगता है ये भी लॉस होना है, फिर भी मैंने जानबूझ करके मार्टिंगल ले लिया। मुझे नहीं लेना चाहिए था और मैंने ले लिया। ओके, अभी 1 मिनट और है तो वापस ऊपर जा सकता है, और ये जाएगा भी, क्योंकि देखिए ये लूजिंग ट्रेड है। नेक्स्ट हम लोग का होगा 13.25, 13 पॉइंट मतलब 13 डॉलर का लेना होगा, इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, दूसरा एसेट देख करके उसमें ट्रेड लेंगे। लॉस होना ही है, अगर ये लॉस होता है। और देखो 1 मिनट का मैंने देखा और यहाँ 2 मिनट का मैंने ले लिया, अगर ये लॉस होता है तो हम लोग का आज का ये लास्ट ट्रेड होगा। मैंने एनालाइज एक का किया, 1 मिनट का, और यहाँ 2 मिनट में प्लेस हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखो ओके, बट वेट कर सकते हैं, अगर ये रेड में ही क्लोज होता है तो फिर हम मानेंगे ये विन है। क्या कर सकते हैं हम बताइए, 1 मिनट में तो ये विन था, ये लास्ट ट्रेड है आज, आज मैं फुल डे ट्रेड नहीं करूँगा। लूजिंग ट्रेड है,
जाओ, लास्ट सेकंड में क्या हो सकता है। हाँ बाय चांस ये हम लोग को बचा दिया ये हम लोग को बचा दिया, ये ट्रेड हम लोग को बचा दिया। कितना डॉलर का लिए थे हम लास्ट ट्रेड, हम लोग का कितना का था, 13 का, 13 डॉलर का ट्रेड था, तो ये हम लोग का विन हो गया। 13 डॉलर का ट्रेड था, ये हम लोग का विन हो गया 117, 117.51 हुआ है। 6 डॉलर का एक लास्ट ट्रेड बाकी है, 6 में से 3 विन है, 6 एक ही एसेट में काफ़ी इधर हमने ट्रेड लिया। एक और ट्रेड बाकी रह गया है, एक और विन बाकी रह गया है, एक लेवल है बट ऊपर क्लोज होगा तो अप, नीचे क्लोज होगा तो डाउन। वही तो समस्या है, देखो कहाँ प्लेस हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्लेसमेंट ही गड़बड़ हो रहा है। विन जाना चाहिए क्योंकि तो कोई लेवल नहीं है। यस ये भी विन हो गया है, केवल मैं आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देख करके ही ट्रेड लिया, जिसमें से मेरा आज 7 ट्रेड में से 4 विन है, 3 लॉस है। ये लास्ट ट्रेड भी हम लोग का विन हो चुका है। ए हाँ यस विन हो चुका है लास्ट ट्रेड भी, एक टोटल हम लोग का 127.38। और यहाँ पर भी जा करके अगर हम विन लिखेंगे तो 122.28 हो गया, हम लोग को करना था 122.28, यहाँ टोटल हो गया 122.28। आज 7 ट्रेड्स हम लोग का हुआ, आज 7 ट्रेड में से 4 7 ट्रेड में से हम लोग का कितना विन हुआ, 4 विन है और 3 लॉस है। ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी क्लोज करते हैं।